ભવાનીનગરમાંથી ટ્રેનની ટિકિટની કાળાબજારી કરતા એકને ઝડપી પાડ્યો હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. રાત્રે 1 વાગ્યાના અરસામાં રેલવે સંઘર્ષ સમિતિએ રેડ કરી હતી, જેમાં 2800 ના ભાવ સાથેની ટિકિટ વેચવામાં આવી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. પાંડેસરા ભવાનીનગરમાંથી ટ્રેનની ટિકિટની કાળાબજારી કરતા એકને રેલવે સંઘર્ષ સમિતિએ ઝડપી પાડ્યો છે. 150થી વધુ યુપીવાસીઓ બ્લેકમાં ટિકિટ લેવા લાઇનો લગાવી ઉભા હતા. રાત્રે 1 વાગ્યાના અરસામાં રેલવે સંઘર્ષ સમિતિએ રેડ કરી કાળાબજારી કરનારને ઝડપી પાડ્યો છે. ઝડપાયેલો ટિકિટ બ્લેકર દીનાનાથ તરીકે ઓળખાય છે. ફોર્મ ભરીને 1600 ટિકિટ લઈ આવતા સેન્ટર પરથી 500 ટિકિટ લાવી બ્લેકમાં વેચતો હોવાની કબૂલાત પણ કરી લીધી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તાત્કાલિક વતન જવાની તૈયારી કરતા યુપીવાસીઓ 2800માં ટિકિટ પણ લેતા હતા. આ વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જી, આપકા નામ કહાં રહેતે હો, આપકો ક્યા ઘટના હુઈ આપકે સાથ? મેરા નામ સરતાજ હૈ, મેં મહાદેવનગર મેં રહેતા હું. મેં વો એક જગ્હા સુનાઈ દિયા કે ટિકિટ મિલ રહા હૈ. મેરે દોસ્ત લોગ બોલે કે વહાં ચલો ટિકિટ મિલ રહા હૈ. તો મેં ઇતના દિન સે પરેશાન થા, મેં ગાંવ સે પૈસા મંગાયા થા, તો મેં પરેશાન થા, મેરી બીવી બચ્ચે થે, તો મેં સોચા મેં ચલું દેખતા હું. તો ગયા તો એક બંદા મેરે બોલતા ભાઈ યે હૈ, તો 2800 રૂપિયા કા ટિકિટ દે રહા થા. બહોત વો કરને કે બાદ ઉસને મુઝસે 5000 રૂપિયા લિયા, દો ટિકિટ કે લિયા. ફિર વો ભાગને લગ ગયા, બોલતા હૈ કે રુકો દો મિનટ આતા હું. ઉસકે બાદ જીતુ ભાઈ આયે, ઉસકો મેં હમને બોલે કે ભાઈ તું ઉનકો પકડા. ઉન્હોને પકડા તો પૂરી હાથાપાઈ કરને લગ ગયા. વો હાથાપાઈ કરને કે બાદ પુલિસ આઈ, પુલિસ લેકે ગઈ ઉનકો. જી, યે જિસકો આપને પૈસા દિયા કહાં રહેતા હૈ ઓર ક્યા નામ હૈ ઇસકા? મહાદેવનગર મેં રહેતે હૈ. ઉનકા નામ તો વ્યક્તિગત મુઝે પતા નહીં હૈ, વો મેરે દોસ્તો મેને બોલા થા મુઝે, ઇસલિયે મેં આયા થા. कहाँ के लिए टिकट देने के लिए उसने बोला था? इलाहाबाद के लिए. कितने जन का पैसा इसने लिया होगा? मेरे 30 से 35 या 40, मेरे इतने तो आइडिया इतना है. जी, आपका नाम, कहाँ रहते हो आप और क्या करते हो? मेरा नाम जीतू गोस्वामी है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं पांडेसरा विनायक नगर में रहता हूँ. और आज मैं एक काम कर रहा था तो मुझे श्याम बाबू करके एक व्यक्ति का फ़ोन आया, जिन्होंने कहा कि सर हमारा पैसा भी ले लिया गया है और हमें टिकट भी नहीं दिया जा रहा है. तो मैं फिर वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि करीब 100 से 150 आदमी, जो कि जो व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति पकड़ाया है उसको पैसा दिया है उन्होंने, और वो बंदा 100 से 150 व्यक्तियों का पैसा ले लिया. उसके बाद जब मैं पहुँचा तो मैंने उनसे पूछा, भाई तू कितना टिकट का पैसा ले रहा है? तो उसने कहा कि भाई हम एक टिकट का, मैं एक आम व्यक्ति की तरह गया था, तो हमने उससे पूछा भाई कितने का टिकट दे रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि हम 2800 का टिकट दे रहे हैं एक. मतलब भाई साहब बहुत ज़्यादा है. बोले तुमको लेना हो लो वरना आप चले जाइए. मतलब ठीक है, कोई बात नहीं. तो फिर वो व्यक्ति, उसे थोड़ा हमें संदेह हुआ तो वो भागने लगा, तो हमने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले किया. अब मैं पुलिस और सरकार से, प्रशासन से यही अपेक्षा रखता हूँ कि इन गरीबों के साथ न्याय हो और इन्हें जो प्रिंटेड रेट है टिकट का, उस रेट पर इन्हें टिकट दिया जाए, बाकी इनका पैसा रिटर्न किया जाए, वापस दिया जाए. और पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो भी कार्यवाही होगी हम व्यवस्थित करेंगे. जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत. जी, आपका नाम, कहाँ रहते हो आप और क्या हुआ था आपके साथ में? सर जी, मेरा नाम श्याम बाबू बिंद है, मैं महादेव नगर में प्लॉट नंबर 310 में रहता हूँ. हमने 3 तारीख को फॉर्म डाला था टिकट के लिए, तो वो भाई बोला तुमको 16 तारीख को टिकट मिलेगा. वीरेंद्र भाई करके है उनके पास, वीरेंद्र बिंद करके है उनके पास, मैं टिकट के लिए पैसा दिया था. तो बोले 16 तारीख को तुमको टिकट मिलेगा. 16 से 17 तारीख हो गया, हम लोग टिकट के लिए बोलने लगे तो भाई बोलता है आके अपना पैसा ले जाओ, टिकट नहीं हो पाएगा. तो हमने दूसरी जगह ट्राई मारा, दूसरी जगह अपना आधार कार्ड लेके गए, नंबर लेके गए आधार कार्ड का, तो वहाँ तो भाई बोलता है तुम्हारे आधार कार्ड पे कोई टिकट ले लिया है. हमको वहाँ से भी टिकट नहीं मिला. जब हमको कोई रास्ता नहीं सूझा तो हम लोग 2800 रुपया दे के आज वाली डेट में 2800 रुपया दे के टिकट ले रहे थे. तो भाई बोला पैसा जमा कर दो, आधे घंटे बाद तुमको टिकट मिलेगा. हम लोग पैसा जमा करके वहाँ बैठे थे और टिकट देने के फिराक में, भागने के फिराक में था, उसका टिकट देने का कोई विचार ही नहीं था कि टिकट मिले इन लोगों को. तो हमने एक भैया जीतू भैया करके हैं उनको बोला और एक विवेक भैया करके हैं उनको बोला, तो दोनों ने इनसे पूछताछ जब करनी चाहिए तो भाई भागने लगा. तो इनको पकड़ के पुलिस के यहाँ लाए अपने पांडेसरा चौकी में. तो आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग कुछ नहीं चाहते. हम लोग यही चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो और जितना टिकट का प्राइस है उतना ही हमसे लिया जाए, ना कि उससे ज़्यादा लिया जाए. जिसको आपने 2800 रुपया दिया, क्या नाम है इसका और कहाँ रहता है? सर जी, अभी महादेव नगर में ही रहते हैं, पर इनका नाम नहीं पता है. हमको ये इतना पता है कि मौर्य हैं, इनका खुद का प्लॉट है, इसी भरोसे पे हम लोग पैसा दिए थे कि खुद का प्लॉट है, आदमी कहीं जाएगा नहीं. पर हमको क्या पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा घात करेगा ऐसा आदमी.